हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पलट तेरा ध्यान किधर है। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब आप एक सॉन्ग सुनते हैं तो उस सॉन्ग के सिंगर पर आपका कितना ध्यान जाता है? ऑब्वियसली हमें पता होता है कि इसका सिंगर कौन है, लेकिन कभी कभी जब हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो हमें मिसगाइड किया जाता है गलत नाम बताकर, या फिर कभी कभी हम लोग मिसगाइड हो जाते हैं सिमिलर आवाज सुन के और ये जज नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली इसका सिंगर कौन है। आज एक इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक इंटरेस्टिंग सॉन्ग और उसके सिंगर के बारे में। मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये तो हमारे घर के वॉचमैन को भी पता है कि ये सॉन्ग राहत फतेह अली खान साहब ने गाया है। बिल्कुल सही, ये राहत फतेह अली खान साहब ने ही गाया है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस दूसरे सिंगर के बारे में जिसने इस सॉन्ग को गाया है। मैं अलग से गाए हुए सॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी सॉन्ग की बात कर रहा हूँ जिसमें राहत फतेह अली खान साहब के साथ इन सिंगर ने गाया है। Hey guys, this is Krishna. सोनिया, ओ सोनिया, तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। ज्यादातर लोग इन्हें जान भी नहीं पाए, जिसकी वजह से जो नेम और फेम राहत फतेह अली खान साहब को मिला था इस सॉन्ग से, वो शायद उस सिंगर को नहीं मिल पाया। अगर आप इस सिंगर के बारे में जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि इस सिंगर का नाम है कृष्णा ब्यूरा, जो हिंदी और उड़िया फिल्मों में प्लेबैक सिंगर हैं। चलिए पहले सुनते हैं कि मैं जहां रहूं सॉन्ग में उन्होंने कौन सा पार्ट गाया है। इस लाइन को राहत फतेह अली खान साहब ने नहीं गाया था, ये लाइन गाई थी कृष्णा ने। ये बॉलीवुड में काफी सालों से प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं और काफी अच्छे सॉन्ग्स देने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें वो नेम और फेम नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं। मेरा मानना है कि आज के इस जमाने में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल वही हो पाता है जिसको अपने आप को आगे प्रमोट करने के हथकंडे आते हों। बॉलीवुड एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां आप कितना टैलेंटेड हो ये मायने नहीं रखता है, बट उस टैलेंट को आप कितना शो ऑफ करते हो और अपने आप को किस तरह से दुनिया के सामने पेश करते हो इस पे डिपेंड करता है। और ये सिर्फ सिंगिंग लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हर फील्ड में होता है, चाहे वो एक्टर हो, जैसे कि आपको मैंने पिछले एपिसोड में एक्टर और हीरो के डिफरेंस को बताया था, या फिर डायरेक्टर हो, डबिंग आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, क्रिकेटर हो, हर फील्ड में ये बात लागू होती है। शायद कृष्णा का ये नेगेटिव पॉइंट रहा कि वो खुल के सामने नहीं आ पाए और शायद किसी ने उन्हें प्रमोट भी नहीं किया। हालांकि उनके दो चार सॉन्ग्स बहुत पॉपुलर हैं, उनमें से एक है चक दे इंडिया का ये सॉन्ग। ये सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि इसे किसने गाया था? मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप में से काफी लोग जानते हों कि इसे कृष्णा ने गाया था, लेकिन ये संख्या बहुत कम लोगों की है। बॉलीवुड में इन्होंने अपना सिंगिंग करियर 2003 में शुरू किया था और इतने साल होने के बावजूद आज भी अपने नाम के लिए मोहताज दिखाई पड़ते हैं, सही से लोग जानते भी नहीं है। मैं आपका ज्यादातर ध्यान मैं कहीं भी रहूं सॉन्ग पे इसलिए भी लाना चाहता हूं क्योंकि ये एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग था और इस सॉन्ग का लगभग 100% क्रेडिट राहत फतेह अली खान साहब को चला गया। शायद उनके नेम और फेम के नीचे कृष्णा का नाम कहीं दब के रह गया। खैर, मुझे तो इस बारे में मालूम था, लेकिन हमारे एक फैमिली मेंबर यानी कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया कि इस बारे में एक वीडियो बनाई जाए और मुझे लगा कि अगर मैं अपने वीडियो के थ्रू इनको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकूं तो ये मेरे लिए काफी बड़ी बात होगी। मैं चाहता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा उन सिंगर्स को प्रमोट करें
जो टैलेंटेड होने के बावजूद भी कहीं गुमनामी के अंधेरों में खो गए हैं। That's all for today, friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook. Links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए I'm gonna get it.